हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग चुंबकत्व नाम के चैप्टर को शुरू करने वाले हैं। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम ये देख चुके हैं कि जब भी आपका एक आवेश गति करता है तो वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस चैप्टर के अंदर हमको चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है, अर्थात बेसिकली मैं बात करूँ तो चुंबक के बारे में पढ़ना है। तो ये जो पहला वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको इतिहास बताऊंगा कि किस प्रकार से चुंबक की खोज हुई थी, और ये भी बताऊंगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी सारे फैक्ट आपको जानने को मिलेंगे। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा कंसेप्ट सिखाऊंगा कि आपको समझ में आएगा कि N उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव प्रतिकर्षण क्यों करते हैं, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आकर्षण क्यों करते हैं। और लास्ट चैप्टर में जो आपने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, उस टॉपिक को इस चैप्टर के साथ में मैं बहुत प्यारे तरीके से लिंक करूंगा। तो ये पूरा वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको बहुत मजा आएगा। शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, चुंबकत्व की शुरुआत यहां से हुई कि मैग्नीशिया नाम का एक टापू था। स्पेलिंग लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है। मैग्नीशिया नाम का एक टापू था, उस टापू पे लोग रहते थे। उन लोगों के पाँव में जूते थे और उस जूते में कील थी। तो जब वो उस टापू पे ऐसे भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि उनका पाँव चिपक रहा है जमीन से। पत्थर जो है, वहां पत्थर था, वो जो पत्थर है वो उनके पाँव को खींच रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उस पत्थर के अंदर चुंबकीय गुण था, आकर्षण का गुण था, और चुंबक जो होता है वो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उन लोगों ने जूतों में कील लगा रखी थी, जूतों में कील लगती है उनको बनाने के लिए। तो वो जो कील थी, वो कील को खींच रहा था आपका पत्थर, क्योंकि तो पत्थर में कौन सा गुण था? चुंबकीय गुण था। फिर उस पत्थर के टुकड़े कर करके उन लोगों को जब ये ज्ञात हुआ कि हाँ भाई, इसमें एक जादुई शक्ति है कि ये आकर्षित कर सकता है कीलों को अपनी तरफ, लोहे को अपनी तरफ, तो फिर वहां से चुंबकत्व की खोज हो गई। और फिर वो चुंबक पूरे विश्व में, उसके बारे में लोगों को पता चला। फिर क्या हुआ, ऐसा ही सेम पत्थर चाइना में भी था। तो चाइना के अंदर भी चुंबकीय चुंबक जो है उसके ज्यादा मिलने के कारण चाइना के लोगों ने चुंबक को ज्यादा विकसित किया। तो उन्होंने चुंबक की गुणधर्मों को पढ़ना शुरू किया, चुंबक से नई नई चीजें बनाना शुरू किया, और इसीलिए चाइना ने जो है टेक्नोलॉजी को डेवलप करना स्टार्ट किया। तो मेन काम की बात यह है कि आपके पास चुंबकत्व जो है वो प्रकृति से आता है, प्राकृतिक जो पदार्थ है उसके कारण हमको पता चला कि दुनिया में चुंबक होता है। तो ये थोड़ा सा इतिहास था, एक दो मिनट का बोरिंग लेक्चर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, चुंबकत्व की असली शुरुआत कहाँ से होती है, ये आप इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हो कि जब आपका आवेश गति करता है तो उससे चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। तो आपको पता है कि परमाणु के अंदर भी इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, इसका मतलब हर एक परमाणु जो है वो अपने अंदर चुंबकीय गुण को रखता है। अब कभी कभी वो चुंबकीय गुण हमको प्रकृति में देखने को मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है, उसके बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, दो तरह के आपके चुंबक होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक चुंबक और एक होता है आपका कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक वो है जो जमीन से निकलता है, जैसे मैं आपको बता रहा था अभी मैग्नीशिया टापू के ऊपर मिला था, तो वो जो है वो प्राकृतिक चुंबक है। और बाद में लोगों ने मेहनत करके पता लगाया कि हम चाहें तो खुद भी चुंबक बना सकते हैं। कैसे? एक चुंबक के साथ में लोहे की वस्तु को आप जोड़ करके कुछ समय के लिए रख दीजिए, तो लोहे की वस्तु के अंदर कौन सा गुण उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से फिर चुंबक की बात चली। चुंबक बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, जनरली आपको जो देखने को मिलता है वो है इस तरह का चुंबक। तो ये जो चुंबक है इसको कहा जाता है छड़ चुंबक। तो ये आपका छड़ चुंबक होता है। अब पृथ्वी के बारे में आप जानते हो कि पृथ्वी में एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, उत्तर होता है और दक्षिण होता है। अब देखिएगा, ये आपका छड़ चुंबक है, इससे एक लोहे की कील मैंने जोड़ रखी है, हटा देते हैं ये लो। तो ये आपका छड़ चुंबक है। इस छड़ चुंबक के पास दो बहुत बड़े गुण देखे गए। सबसे पहला गुण ये था कि ये जो आपका छड़ चुंबक है, अगर इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं, मतलब इसको रस्सी बांध करके अगर आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हो, तो ये हमेशा, इसके अंदर दो हिस्से होते हैं, एक आगे वाला हिस्सा, एक पीछे वाला हिस्सा, एक हिस्सा उत्तर की तरफ हो जाता है अपने आप ही,
और दूसरा हिस्सा दक्षिण की तरफ हो जाता है। तो छड़ चुंबक के लिए या किसी भी चुंबक के लिए हमें एक गुण मिला कि जब भी एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो उसका एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है, दूसरा सिरा दक्षिण दिशा की तरफ हो जाता है। तो चुंबक का जो सिरा उत्तर दिशा की तरफ होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव। जो सिरा उत्तर दिशा की तरफ हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की तरफ हो जाता है उसको हम कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से आपके छड़ चुंबक के जो दो हिस्से हैं वो होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव और एक होता है दोस्तों दक्षिणी ध्रुव। अब हाँ, तो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट में एक बार और आपको अच्छे से क्लियर कर देता हूँ कि जब अपन छड़ चुंबक को लटकाते हैं स्वतंत्रता पूर्वक तो उसका एक हिस्सा हमेशा जो है वो नॉर्थ को दिखाता है। तो ये जो मोबाइल है इसके अंदर हमने कंपास को ऑन कर रखा है और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिखा रहा है अपन को, और ये छड़ चुंबक को अभी आपके सामने स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया है। अब ये थोड़ी देर नाचने के बाद अपने आप इसका जो नॉर्थ है आप देखोगे कि वो एक्चुअल नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। नीचे कंपास के अंदर एक्चुअल नॉर्थ दिख रहा होगा आपको, और ये चुंबक पे जो नॉर्थ मार्क किया हुआ है वो अपने आप स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर उस दिशा में जा रहा है। तो यही गुणधर्म है कि जब एक छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो वो हमेशा किस स्थिति में जाता है? उसका एक हिस्सा जाता है उत्तरी ध्रुव की तरफ, दूसरा दक्षिण की तरफ। जो उत्तर की तरफ जाता है उसको अपन एन नाम देते हैं। आप देख सकते हो ये एन है और ये नॉर्थ की तरफ गया है, ये आपका साउथ है और ये एस की तरफ गया है, इस तरह से। तो ये एक्सपेरिमेंट क्लियर करता है कि किस तरह से एक चुंबक में दो पोल होते हैं। अब क्या हुआ, ये तो मजा आ गया हमको। मजा कैसे आया कि अपन इसकी सहायता से दिशा का पता लगा सकते हैं। कैसे? अगर अपन इस चुंबक को लटकाएं थोड़ी देर के लिए और ये घूम करके ऐसे आ जाए तो इसका मतलब ये होगा कि ये दिशा उत्तर हो गई और ये दिशा दक्षिण हो गई। तो हम इस चुंबक को काम में ले सकते हैं दिशा बताने के लिए। फिर ये चुंबक तो बहुत मोटा है तो हमने क्या किया, इस चुंबक को बहुत बारीक कर दिया और इस तरह से बिल्कुल छोटा सा बना दिया ऐसे, और एक हिस्से को लाल कर दिया। लाल वाला हिस्सा मतलब उत्तरी ध्रुव N और दूसरा हिस्सा दक्षिणी ध्रुव, और हमने इसको एक बॉक्स में बंद कर दिया और इसको हम कहते हैं चुंबकीय सुई। और इसको बंद करके हमने एक यंत्र तैयार कर लिया जो आपको दिशा बताता है, और वो यंत्र जो है उस यंत्र का नाम है दिक सूचक। मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा। तो ये जो यंत्र है ये दिशा बताने का काम करता है, इसके अंदर भी एक छोटा सा चुंबक लगा हुआ है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है आपका वो चुंबक के चारों तरफ का एक क्षेत्र होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने चुंबक को काम में लिया दिशा बताने के लिए। अब इसको लेकर के आप समुद्र में निकल जाओ, समुद्र में सड़कें होती नहीं है, परंतु आप इसको लेकर निकलोगे तो आप जब इसको ऐसे खुला रखोगे तो अपने आप इसकी सुई का एक हिस्सा जाएगा उत्तर की तरफ, एक जाएगा दक्षिण की तरफ, और आप अपने दिशा का आइडिया आराम से लगा सकते हो। चलिए, अब क्या हुआ कि अब हमें ये देखना था कि ये जो चुंबक है ये चुंबक की प्रकृति कैसी कैसी है। तो हमने इसके साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हमने ये किया कि हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास में लेकर के गए दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को, एक समान ध्रुव को पास में लेकर के गए। जब हम एक समान ध्रुव को पास में लेकर के गए तो हमने ये देखा कि ये आपस में प्रतिकर्षण करते हैं, एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि आपके एक समान ध्रुव जो हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हम इस बात को लिख सकते हैं कि सजातीय ध्रुव जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं।
और जो विजातीय ध्रुव है उनके बारे में देखते हैं। जब हम एन के पास में एस को लेकर के गए तो भाई साहब प्यार मोहब्बत शुरू हो गई। ये इसको अपने पास बुला रहा था, ये इसको अपने पास बुला रहा था। अब मेरी बात को आप बहुत ध्यान समझिएगा, साथ में आप वीडियो की एक देख भी रहे हो, जो प्रैक्टिकल कर रखा है उसको देख भी रहे हो कि जब आप एक जैसे ध्रुव को पास में लेके आ रहे हो तो प्रतिकर्षण हो रहा है दोस्तों, और जब आप विजातीय ध्रुव को पास में लेके आ रहे हो तो आकर्षण होता है। तो ये चुंबक का बहुत बड़ा गुण है। अब मैं आपसे एक बात डिस्कस करता हूं, एक आवेश है, उस आवेश के पास में अगर आप दूसरा आवेश लेकर के आते हो और दोनों आवेश एक जैसे हैं तो ये भाई साहब उस भाई साहब को धक्का देते हैं। जब बिना स्पर्श किए एक दूसरे पे बल लगा रहे हैं, इसका मतलब वहां पे कोई क्षेत्र उत्पन्न है। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये वीडियो लॉजिकल है बहुत ज्यादा, और मैं नहीं चाहता हूं कि आप रटो। अगर रटवाना हो तो बहुत आसानी से दो चार पॉइंट लिखवा के चैप्टर को अपन खत्म कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि आपकी थिंकिंग डेवलप हो ताकि IIT जैसे एग्जाम में आप कुछ कर सको। रट्टाफिकेशन इज नॉट अलाउड। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर बल लगा रहा है बिना स्पर्श किए, इसका मतलब ये अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। जैसे आपके पापा जो हैं वो साइड में बैठे हुए भी आपको दूर से डांट सकते हैं, आपको दूर से आपकी हरकतों पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर अगर आप रहोगे तो आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ही ये जो आपका आवेश है, इस आवेश के चारों तरफ एक क्षेत्र है जो इसके ऊपर बल लगा रहा है, ऐसे हम क्षेत्र की बात सोचते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर एक चुंबक दूसरे चुंबक को बिना स्पर्श किए बल लगा रहा है, एक चुंबक लोहे की वस्तु को बिना छुए उसको अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब पक्की बात है कि चुंबक अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। और दोस्तों आपको नाम पता है उस क्षेत्र का, उस क्षेत्र को कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो क्षेत्र की बात कहां से आती है, जब बिना स्पर्श किए कोई भी कांड होता है तो हम क्षेत्र की बात करते हैं, ठीक है। अब चुंबक के चारों तरफ जो क्षेत्र है वो किस प्रकार है, हमें वो समझना है। तो चुंबक का एक उत्तरी ध्रुव है, चुंबक का एक दक्षिणी ध्रुव है। अब अगर आप पता लगाना चाहते हो कि वो क्षेत्र किस प्रकार है तो उसे आप बना सकते हो। देखना, हम क्या करेंगे, एक चुंबक लेंगे, उस चुंबक के पास में दूसरे चुंबक को लेकर के जाएंगे, एक बार यहां रखेंगे, फिर 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 यहां रखेंगे, और हम ये देखेंगे कि उसकी सुई किस प्रकार अपना विचलन दिखा रही है। अब साथ में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, वीडियो यहां पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है और मैं यहां पर बनाता जा रहा हूं। देखना, अब जब आप दिख सूचक को यहां रखते हो तो उसकी सुई इस तरह से दिखाती है, आप देख पा रहे होगे, लाल वाला हिस्सा इधर और जो रंग किया हुआ है वो हिस्सा इधर, और जो रंग किया हुआ नहीं है वो हिस्सा इधर। जब आप उसको यहां पे रखोगे तो वो ऐसे दिखाएगी, यहां रखोगे तो 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 ऐसे दिखाएगी। आपके साथ में प्रैक्टिकल चल रहा है, ऊपर स्क्रीन पे आप देख सकते हो ऐसे।
तो जब इनको आप जोड़ोगे आपस में तो आपको पता चलेगा कि ये क्षेत्र इस तरह से है। और यहां रखते हैं तो ऐसे दिखाती है, इसका मतलब ये इस तरह से। तो जो हम कहते हैं ना, जो दसवीं क्लास में आपको रटवा दिया जाता है, हर चीज रटवा दी जाती है आपको, कि उत्तरी ध्रुव से निकल करके चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। आप बढ़िया से रट्टा मार लेते हो, आज आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में प्रैक्टिकली हम ये चीज चेक कर सकते हैं। ऊपर प्रैक्टिकल चल रहा है, आप साफ साफ देख सकते हो। तो इस प्रकार फाइनली कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आपके पास एक छड़ चुंबक है, मैं वापस से यहां बना देता हूं, आपके पास एक छड़ चुंबक है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से आरंभ होकर के दक्षिण ध्रुव पे जाती हैं और चुंबक के अंदर वो कहां से कहां जाती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है और अंदर आपकी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती है। तो यहां से आपकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली हैं और यहां पे प्रवेश करेंगी ऐसे। सही बात है, यह आपका उत्तरी ध्रुव हो गया, यह आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में हमने बात करी। अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होता है। देखो, जैसे मान लो इधर मैं बना रहा हूं, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा मान लो मैंने बनाई, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पे, मान लो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का एक बहुत बड़ा गुणधर्म होता है कि अगर आपको उसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको वहां पे स्पर्श रेखा बनानी है। तो अगर आप चाहते हो कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखो तो आप यहां पे बना दो स्पर्श रेखा, यहां पे बना दो स्पर्श रेखा, यहां पे बना दो स्पर्श रेखा, यहां बना दो स्पर्श रेखा। वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर आपको बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और इसका उल्टा भी तो सही है, हम लोगों ने यहाँ पे स्पर्श रेखा के बिंदुओं को जोड़ जोड़ के ही क्या बनाया था, चुंबकीय क्षेत्र रेखा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा पे वापस स्पर्श बना करके हम पता लगा सकते हैं कि उस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है। सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूं, पूरा वीडियो आप ही के लिए है, आपको एक एक चीज को फील करना है, रटने का काम नहीं होना चाहिए। ओके, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक बहुत बड़ी बात आपने देखी होगी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एन से निकलती हैं, एस तक जाती हैं, एस से वापस एन पे आ जाती हैं। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है वो इस तरह से पूरा एक वक्र बनाती हैं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पूरा वक्र बनाती हैं, वक्रीय होती हैं, यहां से शुरू होंगी घूम करके वापस यहां पर आएंगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसका मतलब ये अपने आप में कॉन्टिन्यूस है, पूरा एक वक्र बना रही है। तो दोस्तों, हमने इस बात को लिख भी दिया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं, ये चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है और चुंबक के अंदर इसकी जो दिशा है वो दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। तो नोट्स के अंदर और बकायदा अच्छे से लिखा हुआ है, तो अगर आपने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर थ्योरी लिखी हुई होती है। तो बाहर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर, अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर, और एक बंद वक्र के रूप में आपको ये देखने को मिलता है। अब मैं आपको एक कमाल एक्सप्लेनेशन दूंगा, एक कमाल चीज समझाऊंगा जो आपने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा होगा, है ना। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि एन और एन प्रतिकर्षण क्यों करते हैं और एस प्रतिकर्षण क्यों करते हैं और एस आकर्षण क्यों करते हैं, ये मैं आपको समझाऊंगा अब। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है आपको। देखिए, हम इस सेक्शन को रफ कर देते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में एक बड़ी बात आपने सीख ली कि इसके किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो आपको उस बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा, एकदम मक्खन बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि क्या दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, प्रतिच्छेद कर सकती हैं? आंसर इज नो, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो जिस बिंदु पर उन्होंने काटा है उस बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं बनेगी, एक स्पर्श रेखा ये वाली
और एक स्पर्शरेखा इसके ऊपर ये वाली, तो दो स्पर्शरेखाएं बनेंगी, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, मतलब दो दिशाएं हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती क्यों, तो आपको उत्तर देना है कि अगर वो ऐसा करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखाएं दो होंगी, अर्थात दो दिशाएं हो जाएंगी चुंबकीय क्षेत्र की, जो कि संभव नहीं है। पक्का काटना मना है, मतलब आपकी दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती है। बस ये बात याद रखोगे ना, तो अब आपको समझाऊंगा कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। देखो भैया, अब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का सबसे बड़ा गुणधर्म है कि N से निकलती है और S पे जाती है। तो N से निकलेंगी, यहां से निकलेंगी, कहां जाने के लिए? S पे जाने के लिए। यहां से भी निकलेंगी, कहां पे जाने के लिए? S पे जाने के लिए। अब सुनना ध्यान से, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली कहां जाने के लिए? ऐसे घूम करके S पे जाने के लिए। यहां से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकली कहां जाने के लिए? घूम करके S पे जाने के लिए। अब होगा क्या, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रही है, ये दोनों एक दूसरे को काट देगी। और आपको पता है कि काटना मना है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। अब दोस्तों, अगर काटना मना है, बात को समझिएगा, बहुत कूल कॉन्सेप्ट है, इतना कूल कॉन्सेप्ट आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, दोनों को काटना मना है। अगर इन दोनों को काटना मना है तो ये दोनों शांतिपूर्वक तभी जा सकती हैं जब इनके पास जाने के लिए खाली जगह हो। तो ये अपनी खाली जगह बनाने के चक्कर में दोनों चुंबकों को दूर करने की कोशिश करेगी। कितना कमाल कॉन्सेप्ट है, समझो कि यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, यहां से भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, ये दोनों एक दूसरे को काट सकती हैं बीच में, और काटना मना है इसलिए कटाव नहीं हो, इस चक्कर में ये दोनों ध्रुवों को एक दूसरे से दूर कर देगी। बिल्कुल सेम कहानी बनेगी अगर S और S हो। सोचो, यहां पे सोचो, यहां से निकला, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकल के S पे जा रही हैं, ये S पे आ रही है, ये S पे आ रही है, इधर से भी ये S पे आ रही है, ये S पे आ रही है, तो इन दोनों के बीच में टकराव हो सकता है। यहां इसको भी S पे जाना है, इसको भी S पे जाना है, दोनों बीच में टकरा सकती हैं, और काटना बिल्कुल मना है। और अगर कटाव नहीं हो, उसके लिए जरूरी है कि दोनों चुंबक एक दूसरे से दूर जाए, तभी उन दोनों का साइकिल पूरा हो पाएगा। सोचो, अगर ये चुंबक यहां हो जाए, ये इधर निकल जाए, ये इधर निकल जाए, तो फिर ये दोनों जो आपस में एक दूसरे को काट रही थी, अब नहीं काटेगी और शांति से निकल जाएगी, ऐसे बिना काटे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में कटाव नहीं हो, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे, इसी चक्कर में N और N एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, और S और S भी एक दूसरे को धक्का दे देते हैं, ताकि अगर यहाँ पे गैप आ जाएगा, यहाँ पे गैप आ जाएगा, तो फिर ये आराम से अंदर आ सकती है बिना एक दूसरे को काटे। आया मजा? अब अगर N और S हो तो क्या होगा, यहां कर लेते हैं, बहुत सिंपल है N और S का चक्कर। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां से निकल के कहां तक जाती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर N से शुरू होकर के S पे जाती है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकली, उनको ये वाले S की जगह ये वाला S दिख गया, तो वो कहेगी कि भैया पास में चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितना कम हो सके उतनी दूरी तय करना चाहती है, तो वो यहां से सीधी यहां चली जाएगी N से S की तरफ, और वो इस दूरी को कम करना चाहेगी, क्योंकि जितनी कम दूरी होगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लिए अच्छा होगा। तो इस चक्कर में ये N से निकल करके S तक जाएगी, और ये दोनों के बीच की दूरी कम करने के चक्कर में चुंबक पास में आ जाएंगे। तो ये इतना कूल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, कि आप इससे समझ सकते हो कि किस प्रकार आपका N और N प्रतिकर्षण करता है, N और N प्रतिकर्षण करता है, और किस प्रकार आपका S और S प्रतिकर्षण करता है, और क्यों आपका N और S पास में आता है। अब दो बातें आपको याद रखनी है, एक तो कटान संभव नहीं है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं किसी भी हालत में। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर N और S पास में आते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं N से निकल करके S पे जाती हैं, और उस दूरी को कम करना चाहती है, और उस दूरी को कम करने के चक्कर में वो पास में आ जाती है। अब आप बात को समझना, इसके पहले वाले वीडियो में
मैंने आपको ये बताया था कि दो तारों के अंदर अगर समांतर धारा बह रही है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और दो तारों के अंदर अगर प्रति समांतर धारा बह रही है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। याद होगा आपको कॉन्सेप्ट। अब मैं ये सेक्शन रफ कर रहा हूं। दो तारों में अगर इस प्रकार से धारा बह रही है तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और दो तारों में अगर इस प्रकार से धारा बह रही है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये अपन ने इसके पहले वाले वीडियो में किया था, मतलब इसके पहले वाले चैप्टर में किया था, और फॉर्मूला भी निकाला था बाकी कि यहाँ पे जो बल लगता है वो एकांक लंबाई पे कितना लगता है। ये टॉपिक था जिसका आई बटन में लिंक आ रहा है, ये अपने अच्छे से किया था। अब आज मैं आपको इस आधार पे समझाऊंगा कि इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती हैं और वो प्रतिकर्षण क्यों होता है, आकर्षण क्यों होता है। समझना, अगर इस तार में ऊपर धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे होंगी? धारा की तरफ अंगूठा कर दो, उंगलियां घूमेंगी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अंगूठा कर दो धारा की दिशा में, उंगलियां घूमेंगी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, इस तरह से। यहां भी देखा जाए तो धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, उंगलियां घूमेगी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। तो धारा की दिशा में अंगूठा किया तो उंगलियां ऐसे इस तरह से घूम रही है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे घूम रहा है। वापस से कोई जल्दी नहीं, हमको वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा बट कॉन्सेप्ट ऐसा आएगा आपके पास कि मजा आ जाएगा आपको। धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र को बताएगी। तो ऐसे यहां पे ऐसे। अब आप सुनना ध्यान से, अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही दिशा में है तो धक्का देकर के प्रतिकर्षित करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर एक ही दिशा में जा रही हैं तो धक्का देकर प्रतिकर्षित करती है ताकि काटे नहीं। अब यहां पे आप देखो, ये जो आपकी चुंबकीय क्षेत्र है वो अंदर जा रहा है, ये वाला अंदर की तरफ, ये वाला भी अंदर की तरफ, तो दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ जा रही हैं तो वो एक दूसरे को काटे नहीं, इस चक्कर में वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी, और प्रतिकर्षण होगा ताकि ये दोनों दूर दूर हो जाएं इस तरह से। और अगर ये दूर दूर हो जाएंगे तो फिर बिना काटे आपकी पहली वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखा भी निकल जाएगी आराम से, और दूसरी वाली भी निकल जाएगी ऐसे। इसीलिए अगर प्रति समांतर धारावाही चालक है तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, जो कि संभव नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे को धक्का देके दूर कर देते हैं। अब इधर क्या हो रहा है सोचना, इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होगी? यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखा अंगूठी की दिशा धारा दिशा में कर दो, अंदर की तरफ है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार है। यहां देखो यहां कैसे है, अंगूठा आप कर दीजिए धारा की दिशा में, यूं है चुंबकीय क्षेत्र, मतलब यहां भी दिशा इस तरह से है ऐसे। मैं आपको वापस दिखाता हूं, इसमें ऐसे है और इसमें हम पेन चेंज कर देते हैं, इसमें ऐसे है। अब उससे होता क्या है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है, वापस समझिएगा। अंगूठे को कर दीजिए धारा की दिशा में, उंगलियां बताएंगी चुंबकीय क्षेत्र। अंगूठे को कर दीजिए धारा की दिशा में, उंगलियां बताएगी चुंबकीय क्षेत्र ऐसे। अब इसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से निकली, अब निकल करके घूम करके इधर आने की बजाय आप देख रहे हो ये इधर जा रही है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं यहां से निकलती हैं, घूम करके जाने की बजाय वो इसमें मिक्स हो जाती हैं ऐसे, ऐसे मिक्स हो जाती है। यहां तो मिक्स हो ही नहीं सकती क्योंकि एक उस तरफ जा रही है, दूसरी भी उसी तरफ जा रही है, तो इनको तो एक दूसरे को काटने के डर के कारण दूर हटना पड़ता है, जबकि यहां पे इधर से जाती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उधर से आने वाली में मिक्स हो जाती हैं ऐसे। बिल्कुल वैसे ही इधर से आने वाली, जो इधर से आ रही है वो ऐसे आने वाली यहां से मिक्स हो जाती है इसके अंदर। आया मजा? जैसे एन और एस के बीच में होता है, मैंने बताया था ना आपको कि आपस में एक दूसरे में मिक्स हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही यहां से जाने वाला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उधर मिक्स हो जाती हैं और उधर से आने वाली इधर मिक्स हो जाती हैं, और अब ये अपने बीच की दूरी को कम करना चाहेगी, उस चक्कर में ये एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं।
ये ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों जो आप हिंदी मीडियम के किसी भी चैनल पर जाकर के देख लेना, आपको कोई भी इस तरह के प्योर कॉन्सेप्ट नहीं बताएगा। इसलिए अभी भी अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो दोस्तों ये गलत बात होगी, आपको सब्सक्राइब करना चाहिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्योर कॉन्सेप्ट देते हैं जो आपको IIT JEE में सेलेक्ट होने में मदद करेंगे। कॉन्सेप्ट के साथ में कभी भी साइंस पढ़ोगे तो कुछ बनोगे, और जब जब रट रट के पढ़ोगे तो केवल एग्जाम पास करोगे, आगे लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ो, चीज को समझो। तो यहाँ पे पूरा मैंने आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ऊपर समझाते हुए बात करी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर S से N की तरफ होती हैं और बाहर N से S की तरफ होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी भी बिंदु पर अगर आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो उस बिंदु पर आपको प्राप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। दूसरी बहुत बड़ी बात कि चुंबक के N और N आपस में प्रतिकर्षण क्यों करते हैं, क्योंकि सारी किरणों सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बाहर निकलना है और वो दोनों एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, क्योंकि काटेंगी तो दो दिशाएं आएंगी जो संभव नहीं है। अब वो काटना नहीं चाहती हैं तो उनको दूर हटना पड़ेगा, इसलिए आपके एक समान जो ध्रुव होते हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं। अगर विजातीय ध्रुव है तो N से निकल करके उसको S पे जाना है तो वो कम दूरी तय करना पसंद करती है, तो वो N से फटाफट से S की तरफ आ जाती है और चुंबक पास में आते हैं, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अपनी दूरी को कम करना चाहती है। बिल्कुल वैसे ही दो समांतर धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षित इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो बन रहा है और यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है वो आपस में मिक्स हो जाता है। मैं इस कॉन्सेप्ट को एक बार वापस यहाँ समझा देता हूँ, कोई जल्दी नहीं है, सीखना इंपॉर्टेंट है। अंगूठा ऐसे आई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं आपकी इस तरह से, और यहां कैसे है, यहां भी सेम अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे। तो होता क्या है कि यहां से आने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कम दूरी तय करती हुई ऐसे आ रही है ना, तो कम दूरी तय करती हुई इसमें मिक्स हो जाती है ऐसे, और ये जो आ रही है ये कम दूरी तय करती हुई इसमें मिक्स हो जाती है, इसलिए आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। जबकि अगर आप इनको देखो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे इधर से बाहर आएगी इधर अंदर जाएगी, ये देखो। अब क्योंकि ये सेम दिशा में है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को काट नहीं सके, इसलिए ये एक दूसरे को धक्का देके दूर कर देती है, जबकि ये इस तरह से मर्ज हो जाती है, मिक्स हो जाती है और पास में ले आती है। इसलिए आपके समांतर धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विजातीय प्रतिकर्षित करते हैं। इसको वहां भी मैंने समझाया था आपको अलग तरीके से और यहां फिर से समझाया है अलग तरीके से ताकि आप बेटर लिंक कर सको। अब यह आता है कि क्या इन ध्रुव में और जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है उसमें कोई अंतर है? बिल्कुल है। देखो अगर आप प्लस क्यू और माइनस क्यू को लेते हो तो प्लस क्यू और माइनस क्यू में विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है, बस ये लास्ट टॉपिक है फिर हम अपना वीडियो वाइंड अप करेंगे। इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसे बनती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है, वहां पर अच्छे से पढ़ाया आपने, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है, प्लस से निकलती है माइनस की तरफ जाती है। अंदर क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंदर क्या होता है, सोचिए 5 सेकंड दे रहा हूं आपको। विद्युत क्षेत्र रेखाओं का सिंपल कॉन्सेप्ट है प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो बाहर भी प्लस से माइनस की तरफ और इसके इधर देखोगे तो भी प्लस से माइनस की तरफ ऐसे। यही अंतर है दोस्तों इसमें और इसमें कि ये कभी भी बंद वक्र का निर्माण नहीं करती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी जहां से शुरू हुई है वापस घूम करके वहां पे नहीं आती हैं, उनका एक ही लॉजिक है कि हमेशा प्लस से बाहर जाती हैं और माइनस की तरफ आती हैं, हमेशा प्लस से बाहर जाती हैं माइनस की तरफ आती हैं। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें और इसमें ये बहुत बड़ा अंतर है, जिसको आने वाले वीडियोज में जब मैं आपको गाउस का नियम पढ़ाऊंगा चुंबकीय क्षेत्र के लिए तब काम में लूंगा। मेरी बात को अच्छे से याद रखना कि इसमें और इसमें अंतर क्या है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के और भी कुछ गुणधर्म होते हैं कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, जैसे आप देखो यहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास हैं तो वो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, और अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थोड़ी दूर दूर हैं इसका मतलब वो दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होती हैं, जितनी सघन होती हैं वहां चुंबकीय क्षेत्र उतना ही प्रबल होता है।
ठीक है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। चुंबक के बाहर एन से एस और चुंबक के अंदर एस से एन। और क्यों प्रतिकर्षण होता है दोस्तों सजातीय ध्रुवों में और क्यों आकर्षण होता है विजातीय ध्रुवों में, वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की सहायता से, क्षेत्र की सहायता से मैंने आपको समझाया। क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिकर्षित या आकर्षित करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था, पूरे वीडियो में लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। एक एक थ्योरी के नोट्स आपको चाहिए, जो मैंने समझाया वो सब सीक्वेंस में हमारे नोट्स में लिखा होता है, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं उस पर कॉन्टेक्ट जरूर कीजिए, नोट्स को परचेज जरूर कीजिए, आपका पैकेज कंप्लीट होगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कंसेप्ट आपको कैसे लगे, दो मिनट निकाल के नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, हम ऐसे ही कंसेप्ट शाम को 6 बजे हमेशा आपके लेकर आते रहते हैं। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशन। आने वाले वीडियो में इस चैप्टर को ऐसे ही पूरा लॉजिकली हम फिनिश करेंगे और कोर्स भी बहुत जल्दी होगा। धन्यवाद।